हे गाइस, हम तो के डेढ़ साल ब्रेक को बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता ही है, मैंने एक वीडियो बनाई थी हैप्पी न्यू ईयर की, जिस वीडियो में आप सब लोगों ने काफी प्यार दिया। तो मैंने आप सबसे लोगों से पूछा था, आपको क्या एक हैप्पी न्यू ईयर की एक और वीडियो चाहिए, मतलब एक फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल और चाहिए हैप्पी न्यू ईयर का? तो आप सब लोगों ने बोला हाँ चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में हैप्पी न्यू ईयर की मस्त एडिटिंग ट्यूटोरियल सिखाने जा रहा हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। और एक चीज और बता दूं यार, आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो जाओ इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं एडिटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ एंड काफी अपडेट भी देता रहता हूँ। तो जाओ इंस्टाग्राम में फॉलो करो यार। तो चलिए चलते वीडियो की तरफ। तो गाइस, आपको एक इस तरह की फोटो चाहिए जिसमें आप बैठे हो और आपका हाथ कुछ इस तरीके का हो, ठीक है, जिसमें हाँ आपको ये लगे कि आपने बैलून पकड़ रखा अपने हाथ से। तो इस तरह की पोज में अपने फोटो क्लिक करा लेना। अगर नहीं है तो आपके पास अपने दोस्त को ले जाना चिंटी मिंटू को पार्क में, वहाँ पे क्लिक करा लेना। अब फिर क्या करेंगे, हम फोटो को पिक्सआर्ट में लेके जाएंगे इस फोटो को। देन हम इसका क्या इरेज करेंगे, ये सिर्फ हम जितना बैकग्राउंड दिख रहा है, पीछे ये पेड़ वेड़ दिख रहा है, हम ये इरेज करेंगे, हम जमीन वमीन इरेज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें फोटो में यही सब चाहिए था। तो इस तरह की बैठ के फोटो क्लिक करा लेना आप लोग। सो गाइस, देखिए मैंने इसका पूरा बैकग्राउंड इरेज कर लिया। सो गाइस, ये मैटर नहीं करता आप किसके ऊपर बैठे हैं, जैसे मैं इस पत्थर के ऊपर बैठा हूँ तो चलेगा, अगर आप किसी और चीज के ऊपर बैठे हैं जैसे कोई चेयर हो गई उसके ऊपर बैठो चलेगा, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, ये पत्थर ही चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस फोटो को यहाँ पे जाएंगे ड्रॉ टूल पे, हम इस फोटो को आराम से सेव कर लेंगे। हम क्या करेंगे, हम बैग जाएंगे, अब हमको ये वाला बैकग्राउंड लेना है, ये रहा, ये बैकग्राउंड HD में है, ठीक है, इसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अब आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, फुल HD में बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड को लेने के बाद क्या करना है आपको, जो आपने अभी अपना PNG काटा था मॉडल का, उसको इसके ऊपर ऐड कर देना है, ये रहा, इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना, मैं इसको ऐसे लगा दूंगा, इसको यहाँ से ऐसे एडजस्ट करने के बाद आपको ऐसे डर नहीं करना। हम यहाँ जाएंगे इफेक्ट्स में, देन आर्टिस्ट फैटल एंड मेटल एंड मल्टीप्ले। हम इस इधर इसलिए जाएंगे क्योंकि हमारे ये जो जैकेट वगैरह है इसमें काफ़ी ज़्यादा वो थी, चमक नहीं आ रही थी, तो हम चमक मारने के लिए इस पे जाके फैटल पे जाके ये करेंगे, ठीक है, इसको हम पूरा अपने सीप कपड़ों पे मार लेंगे ताकि हमारे कपड़ों में चमक सी आ जाए थोड़ी। देन हम यहाँ से हम डन कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ऐड फोटो पे जाके कुछ PNG ऐड करेंगे, जैसे कि वाला बैलून का PNG आपको दिख रहा होगा, आप नीचे डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक रहेगा। इसको हम अपने हाथ पे लगा देंगे ऐसे, जैसे कि हम अपने हाथों से हमने गुब्बारा पकड़ रखा है, ठीक है, ऐसे लगा देना, ऐसा लग रहा है हम गुब्बारे वाले हैं इतने सारे गुब्बारे रखे हैं, बट कोई नहीं, हमें फोटो बनानी तो चलेगा सब। ए, मुँह पे क्यों आ गया तू? अब हम यहाँ से डन कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें 2019 का PNG ऐड करना है इस पे। कहाँ गया PNG, ये रहा, इस PNG को हम यहाँ पे लगाएंगे साइड में, ब्लेंड पे जाके इसको स्क्रीन कर देंगे, है ना, हम इसको यहाँ पे लगा देंगे साइड में, अपने राइट साइड में ऊपर, ताकि ऐसा लगे फुल जुड़ी हुई 2019 लिख रखा है। और मैं सोच रहा हूँ इसको हल्का सा ब्लर कर दूँ, सो मैं इसको सोच हल्का सा ब्लर कर देंगे इसको, ज़्यादा हो गया तो ये 2 पे कर देंगे, अब हमने ब्लर कर दिया, अच्छे से लग रहा है थोड़ा ये। अब हम यहाँ से डन कर देंगे। सो गाइस, अब हम क्या करेंगे, ऐड फोटो पे जाएंगे, कुछ स्पार्कल के जैसे पटाखे के PNG ऐड करेंगे, ये वाले 3 ले लेंगे हम से, ठीक है, इसको अब ब्लेंड पे जाके स्क्रीन करेंगे हम, देन इसको भी इस ब्लेंड पे जाके स्क्रीन, सबको ब्लेंड पे जाके स्क्रीन कर देना है आप सब लोगों को। और हमें क्या करना है, एक PNG हम यहाँ ऐड करेंगे, एक इसकी इधर ऐड करेंगे, और एक कहाँ पे करें, एक यहाँ फेंक देते अपना PNG, ठीक है, अब हम यहाँ से डन कर देंगे। सो गाइस, अब हमारा इतना काम हो गया, अब हमें यहाँ पे खाली खाली लग रहा है थोड़ा इस साइड, हम ऐड फोटो पे जाके कि बैलून का बॉक्स है, बैलून PNG का ये, इसको हम ऐड कर देंगे ऐसे, ये यहाँ पे लग जा, हो गया, अब हम यहाँ से डन कर देंगे। सो गाइस, अब हमारा सारा काम हो गया, अब हम इसकी जितनी भी कलर ग्रेडिंग है सब हम Lightroom बाबो में करेंगे, ये हम ड्रॉ पे जाके इसे सेव कर देते हैं इस फोटो को, और अपने Lightroom बाबो को ओपन करते हैं, Lightroom में चलो जादू करते हैं कुछ कलर ग्रेडिंग करके। यहाँ से हम टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ से फोटो को ऐड कर लेंगे, सबसे ऊपर हमारी फोटो आ गई। अब हम इसमें कलर ग्रेडिंग करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, ठीक है। सो गाइस, आप पूरा देखना कलर ग्रेडिंग कैसे करेंगे, हम इसकी थोड़ा एक्सपोजर कम करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं चाहिए, अरे
इसको इतना कर देंगे, कॉन्ट्रास्ट को अभी कम रखेंगे, बाद में बढ़ाएंगे। अभी हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और शैडो को कम करते हैं, वाइट को भी कम कर देते हैं, ब्लैक को भी कम कर देते हैं, ठीक है। ये सब हो गया, हम यहाँ पे जाएंगे थोड़ा, सॉरी कस्टम पे क्लिक करेंगे, इसके वाइब्रेंस को थोड़ा बढ़ाएंगे एंड सेचुरेशन को हल्का सा कम कर देंगे। फिर हम मिक्स टूल पे जाएंगे, आपको इसके ह्यू को पूरा कम कर देना है, ठीक है। देन इसकी थोड़ा सा ल्यूमिनेंस बढ़ा लेनी है ताकि हमारे स्किन पे थोड़ा फेयर लुक आ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। हमारा इतना काम तो हो गया, अब हम इस पे जाएंगे, थोड़ा सा अपनी इसमें थोड़ा सा ब्लू टोन देंगे, ये दे रहे हैं हम, जैसे कि देखिए काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, मैं ब्लू टोन दिया था इस पे। अब हमारा इतना काम तो हो गया गाइस, हम क्या करेंगे, इसे थोड़ी क्लियरिटी को इंक्रीज करेंगे, क्लियरिटी इंक्रीज करके विग्नेट को कम करेंगे, ठीक है। देन हम शार्पनेस पे जाएंगे, इसकी शार्पनेस को थोड़ा बढ़ाएंगे, रिड्यूस और डिटेल को बढ़ा देंगे, एक मिनट। इस सब को हम बढ़ाने के बाद यहाँ से होम पे जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, नीचे में थोड़ी ज़्यादा लाइटिंग दिख रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे सिलेक्टेड टूल पे, इस सिलेक्टेड टूल का सुनूम पे आएगा, जिनके पास लाइट रूम का प्रीमियम वर्जन है। अगर आपको प्रीमियम वर्जन डाउनलोड करना है तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके प्रीमियम वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं लाइट रूम का, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस प्लस पे जाएंगे, देन इसको ब्रश सेलेक्ट करेंगे और ऐसे कर देंगे, हम नीचे नीचे ब्रश मार देंगे इसके। फिर हम उसके एक्सपोजर कम कर देंगे, हम थोड़ी लाइटिंग कम करनी है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम कर देंगे, हाईलाइट को कम कर देंगे, शैडो को कम कर देंगे, हम सब कुछ कम ही करना है, आज डन कर देंगे। अब हमारा इतना काम तो हो गया गाइस, अब हम इधर जाएंगे, इसकी थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे ताकि हमारी फोटो में चमक आए, ठीक है। सो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ फोटो कैसी थी पिक्सआर्ट में एंड अब कैसी है। ये देखिए गाइस, ये पिक्सआर्ट में कुछ इस तरीके की थी फोटो, इसमें बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस थी एंड बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा नहीं आ रहा फोटो को देखने में, लेकिन हमने लाइट रूम बाबा में जादू किया तो देखो क्या मस्त हो गई फोटो एडिटिंग यार, तुम खुद देखो है ना, मस्त लग रही है ना यार फोटो। सो गाइस अभी जल्दी से जाओ, इस तरह की फोटो एडिटिंग करो, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करो, ठीक है। मैं आपकी फोटो को लाइक करूंगा, हो सके तो अगर ज़्यादा अच्छी मुझे लगी एडिटिंग तो मैं शॉर्ट आउट भी देखूंगा। सो गाइस जाओ इंस्टाग्राम मुझे टैग करो, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एडिटिंग करो मौज करो, ठीक है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।